मुबारक हो जेडी साहब, आपने सरकार से केस जीत लिया। देखिए आप लोग गलत समझते हैं, हमारी लड़ाई जो है वो सरकार के साथ बिल्कुल नहीं। हम तो उन हजारों लड़कियों के हक के लिए लड़ रहे हैं जो डांस बार बंद हो जाना से सर बंद। मुबारक हो जेडी साहब, आपने सरकार से केस जीत लिया। देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है वो सरकार के साथ बिल्कुल नहीं। हम तो उन हजारों लड़कियों के हक के लिए लड़ रहे हैं जो डांस बार बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो। जूली सर, आपका आप जो है पहले बार बाला थी, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? देखिए पहले तो आप थोड़ा सा दूर रहिए, है ना, ऐसा ऊपर मत आइए, थोड़ा सा प्लीज। हाँ, स्टे अवे। देखिए बिल्कुल हमारी जीत तो हुई। गट गट। जूली जी, आप एक बार बाला थी, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? देखिए पहले तो आप थोड़ा सा सर पे मत गिरिए, है ना, थोड़ा आराम से, आपके सारे सवालों का हम जवाब देंगे। देखिए बिल्कुल हमारी जीत तो हुई है, लेकिन बार बंद होने के बाद अगर सरकार बार बालाओं के लिए कोई जॉब देती थी, कोई नौकरी देती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या आप सबको पता है कि बार बंद होने के बाद कितनी सारी जो लड़कियां हैं, बार बालाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियों ने आत्महत्या की है और कितनी लड़कियां अपना घर छोड़कर गांव चली गई है, अपने होम टाउन, और कितनी लड़कियों ने, शायद आपको पता नहीं है, उन्होंने ऐसे काम किए जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कितनी बड़ी, कितना बड़ा मुद्दा है ये, कितनी बड़ी बात है ये। क्या बार खुल जाएंगे सर? देखिए हम कोर्ट के लिखित ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाता है बार खुलेंगे, और जरूर खुलेंगे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे, जरूर खुलेंगे, और हमारी जो लड़कियां हैं उनको काम मिल के रहेगा। धन्यवाद। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुंबई कैंट डांस ये सर सब्जेक्ट कब दिमाग में आया, क्यों? दिमाग में सब्जेक्ट, देखिए जिस समय से बार के बारे में बातचीत चल रही थी तभी से ये दिमाग में आ गया था। बार बंद कर दिया गया तो कि बार के ऊपर पहले एक फिल्म बनी थी चांदनी बार, एंड लोगों ने पसंद किया था, लेकिन जब बार बंद हो गई उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, और जब अचानक से बार खुला, तो बार बंद होने और खुलने के बीच का जो दरमियान था उसको मैं चाहता था कि फिल्म में किया जाए। और बार बंद होने के कारण क्या थे, सरकार ने कुछ और कारण बताया जो भी कुछ था, लेकिन तरन्नुम पकड़ी गई थी और तरन्नुम के बाद 93 लाख रुपये, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आई थी, तो सारा कुछ इस फिल्म में आपको देखने का मौका मिलेगा। मुंबई कैंट डांस तैयारी। सभी को मेरा नमस्कार, मैं आशिमा शर्मा, मेरा डेब्यू मुंबई कैंट डांसशाला से आने वाला है। इस मूवी में आप लोग देखेंगे एक बार डांसर की कहानी, जैसे कि आप सुन चुके हैं स्टाम घोटाला तरन्नुम खान के नाम से, उस पे हम लोग एक कहानी बेस लेकर आ रहे हैं और सभी को, पूरी दुनिया को इस चीज़ में सच्चाई बताना चाहते हैं कि बार डांसर्स की ज़िंदगी होती क्या है। और इसमें यकीनन मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब ने अलग अलग रिसर्च करी है हम लोगों ने उन लोगों के लाइफ पर, उन लोगों के बास पर, तो बस वही सब आपके सामने आने वाला है। अब बड़ा महत्वपूर्ण किरदार इसमें निभाया। हाँ जी, कितनी रिसर्च किया आपने तरन्नुम खान को लेकर? देखिए तरन्नुम खान की जहाँ तक बात है कि जो हम लोगों के दिमाग मेंटालिटी उनको लेकर बनी हुई है, ऐसा सच बिल्कुल है नहीं, बट जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि एक वो ही नहीं बाकी भी बार डांसर्स की ज़िंदगी क्या होती है। और जहाँ तक उनकी जानकारी की बात है तो हमने नेट पे उनके लिए सर्च किया है, कई बार में जाके भी पता किया है उनके बारे में, मैंने खुद पर्सनली रीडिंग करी है सब चीज़ को लेकर, बस उनका एक छोटा सा लाइफ स्टाइल आपके सामने लाना चाहती हूँ। इस फिल्म में मैं एक ऐसा किरदार कर रहा हूँ जो थोड़ा सा जल्दी में है, जो थोड़ा चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें उसको एक साथ मिल जाएँ, क्योंकि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है और वो उसे लगता है कि फटाफट उसको कुछ कर लें, और कैसे फाइनली उसके लिए काम करता है या नहीं करता है वही कहानी है। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि मुंबई कैंट डांसर किस तरह की फिल्म होगी? देखिए ये फिल्म जो है बेसिकली बार गर्ल्स पे है, और मेजर जो मुद्दा है जिसका नाम इसलिए टाइटल रखा है कि बम्बई कैन डांस साला, कि जो बैन लगाया गया ये बार गर्ल्स का डांस के ऊपर, कि बार गर्ल्स कान डांस एनी मोर इन महाराष्ट्र, नो बार्स, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को मेरे ख्याल से उठाया, फिर ऊपर से फिर स्टे ऑर्डर आया, ये कुछ कन्फ्यूजन के ऊपर ये फिल्म है जिसके अंदर कि बार गर्ल्स कैन अगेन परफॉर्म इन बार्स,
और फिर ये दिखाया है कि थोड़ी रियलिटी पे पिक्चर है कि बार गर्ल्स क्यों बार गर्ल्स बनती हैं, क्या हालात होते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है, क्या मजबूरियां होती हैं, और ये जो बार गर्ल्स बार डांसर्स हैं अब ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गए हैं। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को। डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज।